नमस्कार दोस्तों, HP एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। HP एजुकेशन में पहले की जो ज्योग्राफी की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, हिंदी की क्लास शुरू हो ही चुकी है और बच्चों की डिमांड थी कि संस्कृत की क्लास भी शुरू की जाए, तो उसी श्रृंखला में आज से हम संस्कृत की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय की। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। संस्कृत भाषा को अपन लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है व्याकरण की, और यहाँ पर हम व्याकरण में सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो व्याकरण की व्युत्पत्ति में जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वी आ क्री और ल्यूट, यहाँ पर वी और आ ये दोनों हैं उपसर्ग, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है। और क्री क्या है, तो क्री है धातु, और ल्यूट जो है वो है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है ये हम सब जानते ही हैं। जैसे उपसर्ग किसी शब्दांश के आगे लगता है और प्रत्यय किसी शब्दांश के पीछे लगता है। तो इस तरीके से व्याकरण की व्युत्पत्ति को हम देखें तो इसमें दो उपसर्ग लगे हैं, वी और आ, और इसमें प्रत्यय की अगर बात करें तो ल्यूट प्रत्यय, और इसमें धातु की अगर बात करें तो क्री धातु है। कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से देख पाते। व्याकरण के बारे में दूसरी चीज़ अगर अपन देखें तो संस्कृत में मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी व्याकरण को मुख कहा गया है। जैसे हमारा यह शरीर है तो इस शरीर का मुख्य जो अंग है वह हमारा मुख है। तो इस तरीके से जो यह वेद है तो वेद को पुरुष के रूप में कल्पित किया गया है, और पुरुष के रूप में कल्पित करके वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है, जिसको हम जानते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग कहे गए। तो वेद को पुरुष के रूप में कल्पित करके अलग अलग वेदांगों को अलग अलग नाम दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर अपना व्याकरण आता है, तो इसी व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तो व्याकरणम स्मृतम, यदि ऐसा प्रश्न कभी आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि व्याकरण स्मृतम मुखम। अब हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि संस्कृत व्याकरण से त्रिमुनि कथ्यते। तो त्रिमुनि संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से हैं, तो हम सभी जानते हैं कि 3 मुनि कहे जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कहीं कहीं कात्यायन वररुचि यह इनका उपनाम है, और कहीं कहीं कात्य भी बोला जाता है। तो पाणिनि को कहा जाता है सूत्रकार, कात्यायन वररुचि जो है उनको कहा जाता है वार्तिककार, और पतंजलि जो है उनको कहा जाता है महाभाष्यकार। अब पाणिनि के ग्रंथ की अगर अपन बात करें तो इनका एक मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, यह पाणिनि का मुख्य ग्रंथ है। अगर वररुचि कात्यायन की बात करें तो इनका मुख्य ग्रंथ है वार्तिक, और पतंजलि जो कि महाभाष्यकार है और इनके मुख्य ग्रंथ की बात करें तो इनका मुख्य ग्रंथ है महाभाष्य। तो इस तरीके से ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन से कहे जाते हैं, या निम्न में से कौन से संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हमें इन तीनों के विषयों के बारे में जानना जरूरी है। तो पाणिनि के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्याय, कात्यायन वररुचि के ग्रंथ का नाम है वार्तिक, और पतंजलि जो है उनके ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। अब ये तीनों मुनियों ने अपने अपने सूत्र लिखे, कात्यायन वररुचि ने वार्तिक लिखी, और पतंजलि महाभाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक संस्कृत में कथन लिखा है, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, यानी बाद वाला जो मुनि होता है वह प्रामाणिक होता है, यानी पाणिनि ने जो बात कही उसको परिवर्धन करके कात्यायन ने वार्तिक लिखा और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा।
तो इस तरीके से अगर इन तीनों में कभी विरोधाभास की स्थिति आती है तो बाद वाला जो मुनि होता है उसको प्रामाणिक माना जाता है, मतलब बाद वाले मुनि की बात को यहाँ पर सही माना जाता है। तो तीन मुनि के नाम हम सभी को याद हो गए होंगे, पहला मुनि है पाणिनि, दूसरे मुनि है कात्यायन वररुचि और तीसरे मुनि का नाम है पतंजलि। अब अगर संस्कृत में अन्य व्याकरण ग्रंथ की बात करें तो एक हमें जो परीक्षा में पूछा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी, यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो वरदराज के द्वारा रचित है। और दूसरी हम बात करें भट्टोजी दीक्षित, उनके ग्रंथ का नाम क्या है, तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी ये दोनों ग्रंथ किसके हैं, तो वरदराज के। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ किसका है, तो भट्टोजी दीक्षित। इसके अलावा एक भरतहरि भी हैं जिनका मुख्य ग्रंथ है वाक्य पदीय, जो मैंने यहाँ शो नहीं किया है। और भी व्याकरण में बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन जो मुख्य एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चीज़ को हम अपन ने देखा है। अब पाणिनि के विषय में अलग अलग बातें हैं, कात्यायन के विषय में अलग बातें हैं और पतंजलि के विषय में भी अलग बातें हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी के विषय में कुछ चीज़ें हैं, कुछ जानकारी है जो हमें जाननी जरूरी है। तो अष्टाध्यायी के विषय में हमें क्या क्या जानना है, तो पहली बात इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 8। पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो कि पाणिनि द्वारा रचित है उसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 8। ये तो हमें याद रह जाएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, यानी यह 8 अध्याय है तो हर एक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। इस तरीके से पूरे 8 अध्यायों की अपन बात करें तो टोटल पादों की संख्या हो जाती है 32 पाद, यानी अष्टाध्याय में टोटल पाद, पाद का मतलब होता है चरण, तो इस तरीके से इसमें पादों की संख्या मिल जाती है 32 पाद। अब अपन बात करेगी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है माहेश्वरी सूत्र, जो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो ये 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं, ये जो चौदह माहेश्वरी सूत्र हैं वह भी अष्टाध्याय में इंगित है। और इसके अलावा इन अष्टाध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 3978 यह सूत्र हैं जो अष्टाध्याय में हैं। फिर इन 3978 में इसका प्रथम सूत्र जो है वह है वृद्धि रादिच, ये पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादिच और अंतिम सूत्र कौन सा है, तो अ अ, ये इसका अंतिम सूत्र है। और अष्टाध्यायी में हमने पहले देख ही लिया कि पादों की संख्या कितनी है, 32 पाद है। अब 32 पाद में जो पहले के जो ये 29 पाद आते हैं उन 29 पादों को कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी, और अंतिम जो 3 पादे उसे कहा जाता है त्रिपादी। यानी प्रथम के 29 पाद सपाद सप्ताध्यायी और अंतिम जो 3 पादे वो कहे जाते हैं त्रिपादी। अब सपाद सप्ताध्यायी का अर्थ क्या है और त्रिपादी का अर्थ क्या है, ऐसा क्यों ये दोनों अलग अलग भागों में क्यों बताया गया है, इसको हम जब संस्कृत व्याकरण को और विस्तृत जानेंगे तब इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस तरीके से आपका समय बचे इसलिए मैंने इसको पहले से बोर्ड पे उतार लिया था जिससे कि आप याद रहे। फिर से हम इसको एक बार पुनश्च कर लेते हैं जिससे हम वीडियो देखते देखते ही हमें ये याद हो जाए कि पहली बात तो मैंने आपको ये बताए कि व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, तो वी और आ ये दो उपसर्ग मिलने से व्याकरण बनाए, और इसके साथ क्या मिला है व्याकरण में, तो धातु कौन सी प्रयोग हुई है, तो क्री धातु। ये क्री धातु बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, इसको हमें याद कर ही लेना चाहिए क्री धातु। और क्री धातु जो होती है वो किस अर्थ में होती है, तो करना। इसके रूप अगर लट लकार की अगर बात करें तो इसके रूप चलते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। थोड़े रूप अलग चलते हैं, याद करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन कोई भी कार्य कठिन हो भले लेकिन हम अगर प्रयास करें तो हमें वो सरल लगने लगता है। तो इस तरीके से क्री धातु को हमें याद करना ही है। और प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय, इस ल्यूट प्रत्यय में क्या है, ल्यूट प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है, ल्यूट प्रत्यय में यू शेष रहता है और यू को
इसमें अन आदेश हो जाता है युवा नकव सूत्र से। तो इस तरीके से ये पूरे दो उपसर्ग धातु और ल्युट प्रत्यय मिलने से पूरा शब्द बनता है व्याकरण। और मैंने बताया ही था कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांगों की संख्या है 6। और इसमें कौन कौन से 6 वेदांग कहे गए, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे गए हैं। फिर मैंने बात कही व्याकरण के त्रिमुनि, तो व्याकरण के त्रिमुनि कहे गए हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी। कात्यायन वररुचि के ग्रंथ का नाम क्या है, तो वार्तिक। और पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या है, तो महाभाष्य। अब इसमें प्रामाणिक मुनि कौन कहे जाता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें नाम आ जाता है पतंजलि का। फिर अपन ने बात कही व्याकरण के कुछ अन्य ग्रंथ है जिन्हें हमें याद रखना है, तो पहला ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरा ग्रंथ है मध्य सिद्धांत कौमुदी। इन दोनों ग्रंथों की रचना किसने की है, तो वरदराज ने। और एक ग्रंथ मिलता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इस ग्रंथ की रचना किसने की है, तो भट्टोजी दीक्षित ने। तो ये हमने विस्तृत रूप में जाना, और इस वार्तिक के ग्रंथ को और महाभाष्य को हमने विस्तृत नहीं जाना है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी को अपन ने देख ही लिया है, 8 अध्याय है इसमें, और पादों की संख्या कितनी है, तो 32। 14 माहेश्वरी सूत्र है, 3978 सूत्र है। प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश, अंतिम सूत्र है अ। और 29 पाद इसके जो पहले के हैं वो कहे जाते हैं सपाद सप्ताध्यायी, और अंतिम जो तीन पाद है वो कहे जाते हैं त्रिपादी। तो इस तरीके से व्याकरण के हमने आज की हमारी जो ये प्रथम क्लास थी व्याकरण की, उसको हमने देखा है, समझा है, व्याकरण के सामान्य ज्ञान को जाना है। अगली कक्षा जब भी हम देखेंगे, वैसे संस्कृत में अगर अपन शुरुआत करते हैं तो पहली चीज़ आती है वर्ण विचार वाली बात, लेकिन वर्ण विचार से भी पहले अगर अपन थोड़ा सा व्याकरण को ये जान ले, समझ ले कि पाणिनि कौन है, कात्यायन कौन है, पतंजलि कौन है, लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी क्या है, क्योंकि ये हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इसको हमने जान लिया अच्छे से। अगले की जो हमारी कक्षा होगी वो माहेश्वरी सूत्रों को लेकर होगी, माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या मैंने जैसे अष्टाध्यायी में आपको बता ही दिया है कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 माहेश्वरी सूत्र है। तो उन 14 माहेश्वरी सूत्रों को हम जानेंगे। वर्ण विचार में हम ये देखेंगे कि तो माहेश्वरी सूत्रों में वर्णों की संख्या क्या, और एक पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।